अभी हम रानीताल में हैं। यहाँ पे पीछे जैसे ना रोड थोड़ा सा नीचे उतर गया था बारिश में, और पहले ये पतला सा रोड हुआ करता था, अभी देखने में कितना ज्यादा ये मतलब चौड़ा हो गया। ये और स्टेप मेरे को लगता है यहाँ से नीचे कर दिया, पहले ऊपर से यहाँ से रोड जाया करता था, लेकिन अभी ये नीचे नीचे का थोड़ा सा कर दिया ताकि ये जो चढ़ाई है वो थोड़ी कम हो जाए। पहले ऐसा होता था कि यहाँ से थोड़ा प्लेन होता था, आगे जाके एकदम से उतराई आती थी। अभी जो है ये भी कटिंग होगी यहाँ पे, ये बस एक थोड़ा सा पॉइंट बच गया कि बारिश में जहाँ पे अभी भी खतरा हो सकता है, मतलब जब तक काम कंप्लीट नहीं हुआ तब तक। उसके अलावा आगे का देखोगे आप, ये काफी ज्यादा एकदम से उतराई आएगी, तो ये उतराई थोड़ी कम हो जाए, मतलब आती बार ये चढ़ाई थोड़ी कम हो जाए तो उसके लिए वहां से पीछे से ही उतराई उतरनी शुरू कर दी। अभी ये देखिए बस कैसे आई नीचे से, एकदम से गायब होती हुई एकदम से दिख गई। तो ये जो चढ़ाई है ये कम करने के लिए, यहाँ से अगर चढ़ाई कम होगी तो आगे तक जाएगी ना चढ़ाई, तो इसलिए उस तरीके से किया गया। बाकी आप देखो कैसे रोड काटा गया, ये पहाड़ों के पहाड़ काट दिए यहाँ पे, पर कितना खुला हो गया। अब इस साइड पे ये रोड कोने पे होता था, वो आपको वहाँ पे दिखेगा रोड का, पुराने रोड का हिस्सा दिखेगा ऐसे ऊपर से, ये जो है ये पुराने रोड का हिस्सा है, आपको प्लेन प्लेन दिख रहा होगा लुक वगैरह। तो यहाँ होता था पुराना रोड ऊपर से, अभी ये थोड़ा नीचे से कर दिया बीच जैसे से ना, ताकि इस साइड लैंडस्लाइड का खतरा ना हो। पर अभी जो ऊपर से पहाड़ काटे हैं उनका तो खतरा है कि जब तक एक दो बरसातें नहीं हो जाएंगी, एक दो साल तक लैंडस्लाइड वगैरह हो सकती है। बाकी कुछ इस तरीके का है अभी फिलहाल। और ये जो पुल है, ये पुल भी जो है नया बनाया गया है, इससे पहले नीचे वाला पुल होता था, अभी तक वो उस पे रोड चालू नहीं हुआ, मतलब वन वे में ही चल रहा है आने जाने दोनों का। तो वो पुल यहाँ पे राइट साइड पे नीचे वाली साइड पे यहाँ पे दिखाई देता है, अभी दिखाई नहीं देगा, यहाँ से शायद दिख जाए कट से थोड़ा सा, नहीं दिखाई दिया। तो ये जो पुल है नया वाला, नीचे पुराना पुल थोड़ा नीचे करके है, और वो जो दूसरा रास्ता है जो सामने से आने वालों के लिए होगा, वो आपको पहाड़ के साथ नीचे की साइड को दिख रहा है, ये जहाँ ट्रक खड़ा है, तो इस रोड से वो वाला पुल मिलेगा। अभी ये जो ट्रेन का पुल हुआ करता था, ये नया पुल उसी के लेवल का आ गया, नहीं तो पुराना पुल काफी ज्यादा नीचे होता था उस लेवल से। बाकी यहाँ पे काम तो चला ही है अभी तक। ये देखो यहाँ पे कैसे कटिंग हो रही है पहाड़ों की, पूरे पहाड़ काटे जा रहे हैं। अभी ये देखो ये पुराने रोड का हिस्सा देखो यहाँ पे है पुराना रोड, तो पहले जहाँ रोड बिल्कुल कोने पे हुआ करता था पहाड़ के, अभी वो रोड कोने से हटा के थोड़ा सा बीच जैसे में ले आके रख दिया। अब देखो ये सामने कैसे कटिंग हुई है पहाड़ों की, ये सिंगल रोड हुआ करता था, जैसे ये अभी जिस रोड पे हम चले ये पुराने वाला रोड का हिस्सा है, ये नया रोड नहीं है। तो ये बस ये कोना बिल्कुल पहाड़ का यहाँ से नीचे खाई, और ये बस इतना चौड़ा हुआ करता था जितना अभी आपको दिखाई दे रहा है। ये भी मतलब थोड़ी बहुत लुक डाली गई है, पर जितना आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ना, ये इतना चौड़ा हुआ करता था जितना अभी जहाँ पे मैं चल रहा हूँ। तो एज पे जो रोड अब नहीं रहा, अब थोड़ा बीच जैसे में कर दिया, अब यहाँ बीच जैसे से रोड जाएगा तो लैंडस्लाइड का और नीचे गाड़ियाँ नीचे करने का खतरा भी जो है थोड़ा कम हो जाता है, तो उस लिहाज से अच्छा भी है। अब ये रानीताल से ये जो इतना अभी सेक्शन मैंने आपको दिखाया, ये जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है पूरा। अब इससे आगे जो है ये आपको थोड़ा कंस्ट्रक्ट हो चुका है, तो यहाँ से आगे आपको ये टोल प्लाजे का भी बोर्ड मिल जाता है 500 मीटर अहेड। यहाँ पे रोड थोड़ा बन गया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे वैसे भी थोड़ा कम चढ़ाई थी और प्लेन वगैरह था ना, और इस हिस्से का वैसे भी काम पहले जल्दी हो गया। अब आगे जहाँ चढ़ाई बिल्कुल कम थी वहाँ पे तो हो रखा है, वहाँ पे लुक वगैरह पड़ी हुई है और बढ़िया रोड वगैरह वहाँ पे बना हुआ है। अभी देखो अभी वन वे चल रहा है, मतलब दोनों साइड की गाड़ियाँ एक ही रोड पे आ रही हैं आने जाने वाली। और ये बना है यहाँ पे टोल प्लाजा जो कि चालू हो जाएगा थोड़े टाइम में, जैसे रोड चालू मतलब कंप्लीट हो जाएगा, साथ में इन्होंने टोल प्लाजा यहाँ पे कलेक्ट करना शुरू कर देना, जो कि बहुत महंगा होगा। अब कोई गाड़ियाँ से जैसे अब यहाँ पे प्लेयरा गाड़ियाँ वो वहाँ से है, तो या तो उसको ये मेन रोड से जाना तो टोल देना पड़ेगा, अब कांगड़ा तक जाने के लिए टोल देना पड़ेगा, नहीं तो वो जो पुराना रास्ता हुआ करता था जो प्लेयरा के ऊपर से होता हुआ सिरमणी राजल वगैरह वहाँ से जाया करेंगे।
पर वो सिंगल रोड है, अब किसी को टोल बचाना तो वहां से जाना ही पड़ेगा। लेकिन बाकी ये बाइक वालों के लिए अच्छा हो गया कि चौड़ा रोड हुआ करेगा, प्लेन प्लेन हुआ करेगा, फटाफट पहुंच जाएंगे। अगर कोई बाइक पे जा रहा है तो ना उसको टोल देना है, और रास्ता भी अच्छा मिल जाएगा जब एक बार ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। बाकी ये यहाँ पे ऑफिसेज वगैरह बनाए हैं शायद जो टोल वाले हैं उनके लिए। और ये सामने की तरफ आप देखोगे यहाँ पे सिंगल पुल हुआ करता था, जहाँ से अभी हम जाएंगे ये पुल हुआ करता था, और ये साथ वाला जो पुल है ये नया बनाया है यहाँ पे। तो अलग अलग पुल होगा आने जाने वालों दोनों तरफ की गाड़ियों के लिए। और ये बीच बीच में जैसे अभी ये टोल के आगे का सेक्शन थोड़ा ख़राब था, अब फिर से यहाँ पे आगे पुल के आगे से यहाँ सेक्शन ठीक हो जाएगा, और यहाँ से भी रोड अब आगे कंडी रोड तक ठीक ही है। बस हम आ गए अब सही रोड पे। अब यहाँ पे देखो ट्रैफिक अलग अलग साइड पे है, मतलब आने वाली इस साइड और मतलब आने वाली उस साइड से आ रही है और जाने वाली इस साइड से जा रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों साइड के रोड थ्रू कर दिए, और यही वाला जो सेक्शन है सबसे पहले तैयार भी हुआ था, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि प्लेन था पहले ही, थोड़े बहुत बिल्कुल पहाड़ थे वो उन्होंने काटे बीच में से रास्ते बनाने के लिए, और फटाफट ही यहाँ पे जो है लुक डाली और ये तैयार सबसे पहले हो गया। ये देखो ये क्या बढ़िया रोड बना, दोनों साइड का आपको दिखाई दे रहा होगा आने वालों के लिए जाने वालों के लिए। चलो रोड तो अच्छा बना दिया, पर ये कि स्पीड लिमिट जो है ना वो एक तो वैसे भी हमें कंट्रोल में चलानी चाहिए, वैसे वो चीज अच्छी है कि कंट्रोल में चलानी चाहिए, लेकिन जो स्पीड लिमिट वैसे रखी गई है ना इस रोड की वो काफी कम रखी गई है। हिमाचल में जो मोस्टली रोड्स हैं उनकी 60 या 65 ही है मैक्सिमम स्पीड लिमिट, ये हाईवे इस तरीके से बनाए गए हैं कि यहाँ पे 80 की स्पीड लिमिट आराम से हो सकती है, मतलब जो एक्सप्रेस वेज होते हैं उसी तरीके का ये हाईवे है। थोड़े हाँ कर्व्स जरूर हैं, लेकिन फिर भी इसकी स्पीड लिमिट थोड़ी, जो ये नए हाईवेज बन रहे हैं हिमाचल में जैसे अब चंडीगढ़ से सोलन वाला जो हाईवे है वो पूरा तैयार है, अब उस पर गाड़ियाँ तेज चलती हैं क्योंकि वो रोड ऐसा बनाया है कि उस पर आराम से स्पीड लिमिट ज़्यादा हो सकती थी, गाड़ियाँ 100 तक भी चलती हैं। स्पीड लिमिट वहाँ पे 80 चलो होनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ पे एक्चुअल में स्पीड लिमिट है 60, जिसके कारण चलान बहुत ज़्यादा कटते हैं। सेम तरीका जो अभी मनाली के लिए 4 लेन चालू हुआ है उस पर भी ऐसा ही है, उसकी भी स्पीड लिमिट 60 है। रोड की क्वालिटी ठीक ठाक है, मतलब 80 की स्पीड लिमिट हो सकती थी, लेकिन स्पीड लिमिट 60 की रखी है तो चलान वगैरह काफ़ी ज़्यादा आते हैं, और उस पर तो स्पीड कैमरे लग रखे हैं। अब इस पर पता नहीं, इस पर मेरे को लगता है, जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि स्पीड लिमिट वाले के स्पीड लिमिट के लिए कैमरे वगैरह जो है ये इंस्टॉल जरूर करेंगे। अब यहाँ तक ये रोड तैयार था, अभी यहाँ से जो सीधा रोड है जो एक्चुअल नया रोड होगा वहाँ पर अभी इन्होंने कंस्ट्रक्शन वालों ने अपनी गाड़ियाँ गुड़ियाँ उन्होंने कब्जा करके रखा है, मतलब जब ये तैयार होगा उसके बाद ही चालू करेंगे इसको। तो अभी पुराने वाले रास्ते से यहाँ से जाना पड़ता है दौलतपुर होके, और पुराना वाला रास्ता आप देख लो ये कुछ इस तरीके का होता था, सिंगल सिंगल टाइप, और बढ़िया होता था, मतलब अच्छी क्वालिटी में अगर इसको भी थोड़ा बहुत रेनोवेट किया जाता तो ठीक था। थोड़ा ट्रैफिक जरूर हो जाता था जब टूरिस्ट वगैरह ज़्यादा आता था, जैसे कोई मैच लगा हुआ है धर्मशाला में, या फिर जब गर्मियों के टाइम पर टूरिस्ट थोड़ा ज़्यादा आता है तो उस टाइम पर रश थोड़ा ज़्यादा जरूर हो जाता था इस रोड पर, लेकिन यह कि बढ़िया रोड था यार, मेरे को कभी रिग्रेट नहीं लगा कि ये रोड चौड़ा होना चाहिए, पर बना दिया 4 लेन, काट दिए पेड़, काट दिए पहाड़। अब जो पहले हिमाचल हिमाचल लगता था कि पहाड़ी इलाका, वो पहाड़ी इलाका नहीं लगेगा जब उस 4 लेन से आया करेंगे ना, तो पहाड़ तो बचे ही नहीं है, बढ़िया बढ़िया जो देखने को मिलते थे। अब पहाड़ काटे तो लैंडस्लाइड भी इसीलिए कुछ ज़्यादा ही होती है, बाकी अब क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट के नाम पे थोड़ा बहुत अब ये गलत चीज़ें भी होती हैं। अब जितने पेड़ काटे गए होंगे यहाँ से, अब हजारों लाखों में होंगे पेड़ जो कटे होंगे, तो अब वो पेड़ लगाए थोड़े ना गए जो इतनी ऑक्सीजन दे रहे थे, इतना कहीं ना कहीं टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे थे। अब गर्मियाँ जो बढ़ती जा रही हैं हर साल, गर्मी के टाइम पर जो टेम्परेचर है हर साल ही बढ़ता जाता है, तो वो इसीलिए तो बढ़ रहा है कि पेड़ काटते जा रहे हैं डेवलपमेंट के नाम पे, और दोबारा से वो चलो डेवलपमेंट करनी है पर उन पेड़ों को उस तरीके से उतने अच्छे तरीके से लगाया भी जाए तो चलो उस डेवलपमेंट का भी मज़ा है।
अब यहाँ पे भी नाम के लिए तो पेड़ लगाए गए, गर्मियों में, इतनी गर्मी में मैं देख रहा था उस टाइम पे, जो जहाँ जहाँ पे रोड तैयार हो गया हुआ है उसके आसपास पेड़ लगाए गए हैं, लेकिन वो पेड़ों को ना पानी दिया गया ना कुछ। और जब बड़ी गर्मी पड़ रही थी, सूखी गर्मी पड़ रही थी, उस टाइम पे वो जो छोटे छोटे पौधे लगाए थे वो ख़त्म हो गए। अब वो किसने ध्यान किसने रखना कि पानी किसने देना, ये थोड़ा ना मतलब अब अच्छे खासे जो पेड़ काट दिए, नाम के लिए पौधे लगा भी दिए, लेकिन उनका भी ध्यान नहीं रखा। अगर वो बड़े ही नहीं होंगे, वो जो पेड़ काटे गए उनकी जगह ही नहीं ले पाएंगे, तो फिर वो जो पौधे लगाने का क्या मतलब है, बस दिखावे के लिए कि हाँ हमने पौधे लगा दिए हैं, इतने करोड़ खर्च दिया है, और अब क्या कहते हैं ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है वो कम हो जाएगा, टेम्परेचर वगैरह ठीक हो जाएगा, तो उस चीज़ में मज़ा नहीं है कहीं ना कहीं। अब ये चलो सिंगल जरूर होता था, पर कितना ही ग्रीनरी ग्रीनरी होती थी। अभी आप यहाँ पे सड़क पे देखोगे, फिलहाल आपको दिख सड़क पे देखोगे, जैसे यहाँ पे पेड़ 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 है, तो कहीं कहीं पे छाया छाया छाया, बार बार यहाँ पे आपको छाया दिख रही होगी, ये छाया। तो ऐसे ही रोड पे पूरे पे सिंगल हुआ करता था, तो दोनों साइड पे पेड़ हुआ करते थे, तो छाया होती थी कहीं ना कहीं, जो रोड का भी टेम्परेचर है उतना ज्यादा हाई नहीं जाता था। अभी क्या होगा, अभी फोर लेन बना दिया, पेड़ उसके आसपास कोई होगा नहीं, ठीक है। अभी ये जैसे हम फिर से दोबारा से फोर लेन पे चढ़ गए हैं, तो अब यहाँ पे बीच में जो चलेगा, पेड़ तो यहाँ पे कोई है नहीं बड़ा। अब सड़क का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, गाड़ियाँ जब चलेंगी इसके ऊपर, गर्मियों में गाड़ियाँ चलती हैं तो टायर के टेम्परेचर अपने आप चलने के कारण बढ़ता है, सड़क और गर्म होगी तो टायर फटेंगे, एक्सीडेंट होंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ों से भी, जब सिंगल रोड हुआ करता था, पेड़ हुआ करते थे दोनों साइड पे, पेड़ों की छाया हुआ करती थी रोड के ऊपर, तो वो उस चीज़ से भी बचाते थे कि गाड़ियाँ चलती थी, टायर गर्म होते हैं, तो रोड अगर उतना ज़्यादा गर्म नहीं होता तो उतना इफेक्ट नहीं पड़ता, फटने के चांसेस कम हो जाते हैं। जहाँ पे एक ऐसा रोड होगा जिस पे धूप पड़ रही है बहुत तेज़ी से, और धूप के कारण रोड गर्म पहले से ही गर्म है, गाड़ियाँ चल रही हैं उनके टायर भी गर्म है, और वो फटेंगे ही फटेंगे और एक्सीडेंट होंगे ही होंगे। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे यहाँ पे तीन चार पहाड़ हुआ करते थे, इतने मोड़ हुआ करते थे, इतना मजा आता है इन मोड़ों में से जाने का ना। ये सुरंग से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, सुरंग मतलब पार जाके है, ये जो नई वाली सुरंग बनी है इससे पहले यहाँ पे चार पांच मोड़ हुआ करते थे, चार के मोड़ हुआ करते थे, तीन बड़े मोड़ थे एक छोटा मोड़ था, तो वो काट दिए, अब सीधा हो गया। ये यहाँ पे थे, ये जो कटे हुए दिख रहे हैं आपको, ये कटे हुए दिख रहे हैं, यहाँ पे हुआ करते थे। तब वो मज़ा थोड़ा ना रहा जो पहले हुआ करता था, कि यार पहाड़ी इलाके में गाड़ी चलाने या मोड़ों पे गाड़ी चलाते थे, इंजॉय करते थे। ये रोड पहुंचने के लिए तो ठीक है कि कहीं पे पहुंचना है उसके लिए बढ़िया, लेकिन जो पहले हिमाचल था ना पहाड़ी इलाका, वो उस तरीके का नहीं रह गया। बाकी चलो हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं इस वीडियो में कि कहाँ कहाँ पे कितना काम पहुँचा है, तो ये सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सुरंगें हैं जो कि यहाँ से थ्रू कर दी हुई है, मतलब चालू नहीं हुई, लेकिन ये कि छेद हो गए हुए हैं, दोनों साइड से मिल गए हुए हैं, यहाँ से अगर जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है वो दूसरी साइड पहुँच जाते होंगे। और अभी हम आ गए हैं पुराने रोड पे, क्योंकि इस रोड पे इसको चौड़ा नहीं किया जाएगा, सुरंग से हम सीधा आके चले जाएंगे और वहाँ से फिर नया रोड है, वहाँ फिर टांडा के आसपास जाके वो रोड मिलता है। और ये जो पुराना रोड है ये इसी तरीके से रहेगा ना, रिपेयर होगी एक टाइम बाद, ये ख़त्म हो जाएगा, और बस ये मज़ा हुआ करता है, ऐसा ऐसा पुराना रोड हुआ करता था, ऐसे पहाड़ी इलाका। अभी देख लो इतनी ट्रैफिक है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। तो बस इतना ही काम हुआ है फिलहाल, बाकी जो अभी आगे का रोड तो पुराना ही है, तो उसका दिखाने का कोई मतलब नहीं है। बाकी पहुँचने लगे हम सुरंग तक, तो जी ये आगे पुरानी सुरंग, जो अभी एक टाइम बाद बंद हो जाएगी, क्योंकि अभी तो चलो गाड़ियां चल रही हैं, जब गाड़ियां चलानी बंद कर देंगे या दूसरा रोड थ्रू कर देंगे फिर कहाँ रहेगी ये सुरंग, ख़त्म हो जाएगी, गिर जाएगी, बंद हो जाएगी मेरे को लगता है, जब लोग यहां से आएंगे जाएंगे ही नहीं। तो बस यही थी वीडियो आज की, जो रोड अपडेट मैंने आपको देनी थी रानीताल से लेके जो कांगड़ा वाला रोड है, जो मतलब धर्मशाला शिमला फोर लेन बन रहा है, उसका जो ये छोटा सा स्ट्रेच था जहाँ पर काम लगा हुआ था, उसका जो अपडेट मैंने आपको दिया है, तो कैसा लगा आप मेरे को कमेंट करके बताना। लोगों को बड़ी जल्दी होती है, देखो चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं, बस दो दो लेन्स बना दे रहे हैं। अब ये देखो कितनी ग्रीनरी, कितना सुंदर, इस तरीके से हुआ करता था कभी ये रोड ना, अभी तो बेकार सा लगेगा फोर लेन, ऐसे रोड पे आता था गाड़ी चलाने का मजा।
अब ये देखो ये भी कटिंग हुई है, पहले यहाँ से रोड बनाने का कुछ था, फिर पता नहीं इन्होंने प्लान चेंज कर दिया तो यहाँ पे नहीं तो ग्रीनरी होती थी। अब ये जब आसपास ग्रीनरी होती थी, इस ग्रीनरी को देख के चलाते थे गाड़ियाँ, तो कितना सुकून मिलता, कितना मजा मिलता था। आप देखो क्या व्यूज है ना। तो अभी तो चलो क्या कह सकते हैं, वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप जरूर लाइक कर देना, कमेंट करके बताना, और इसके आसपास के कौन कौन से सेक्शन की मैं वीडियो बना सकता हूँ जो आप देखना चाहते हो। बाकी आप मेरे को कमेंट करके बताओ कौन सा रोड आपको ज्यादा पसंद है, ये जो पुराना वाला रोड था यहाँ गाड़ी चलाने में मजा आता था, ये आप 4 लेन जो बनने वाला है उसमें आपको गाड़ी चलाने में मजा आएगा और उसकी आपको व्यूज ज्यादा अच्छे लगेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।